हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक में। तो फ्रेंड, मगध यूनिवर्सिटी सेशन 2017 से 2020 के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। फ्रेंड, मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा पार्ट वन का रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि पहले BSc का जारी किया गया था पार्ट वन का रिजल्ट, उसके बाद BCom का जारी किया गया था। और बहुत से छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर, BA का कब तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, BA का भी रिजल्ट जारी कर दिया, यानी कि तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा सेशन 2017 से 2020 के लिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपने रिजल्ट को चेक करने कर सकते हैं। और दोस्तों, आप बता दो कि बहुत से छात्रों का यहाँ पर रिजल्ट पेंडिंग बता रहा था, उन छात्रों को क्या करना होगा। तो इस वीडियो में सारा जानकारी देने वाला हूँ कि आपका पेंडिंग रिजल्ट बता रहा था, आपको क्या करना होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल के बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा मगध यूनिवर्सिटी से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली वेबसाइट खोल रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर आ जाना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको दो सेक्शन दिखाई देगा, ऑनलाइन रिजल्ट और एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर खुलकर आ जाएगा एडमिट, सॉरी, रिजल्ट चेक करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपका यहाँ पर दिया गया है प्लीज सेलेक्ट कोर्स, यानी कि फर्स्ट में आपको यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करना होगा, जिससे आप यहाँ पर आप जो भी कोर्स आपका होगा वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तीनों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, BA पार्ट वन और BCom पार्ट वन, BSc पार्ट वन, यानी कि तीनों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए, मैं अभी आपको BA पार्ट वन का रिजल्ट चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ पर BA पार्ट वन को यहाँ पर कोर्स नेम सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद आपका जो भी रोल नंबर है उस पर आपको यहाँ पर रोल नंबर को डाल देना है। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने रोल नंबर को यहाँ पर डाल दिया है और कोर्स को सिलेक्ट कर लिया। जो भी आपका कोर्स है उस कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हैं सर्च रिजल्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं सर्च रिजल्ट को, और यहाँ पर सर्च रिजल्ट क्लिक होने के बाद आपको मार्कशीट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी का यहाँ पर मार्क स्टेटमेंट आ गया है, मार्कशीट, यानी कि यहाँ पर आपके सामने आ चुका है BA पार्ट वन का है रिजल्ट। और फ्रेंड, यहाँ पर आप मार्कशीट में पूरा अपना नंबर पूरा अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट या डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, आप बता दो, जिन छात्रों के यहाँ पर पेंडिंग रिजल्ट बता रहे हैं उन छात्रों को क्या करना होगा। तो दोस्तों, बहुत से छात्र बता रहे हैं कि उनका जो प्रैक्टिकल होता है उनका नंबर ऐड नहीं किया गया है, इसी के कारण उसका रिजल्ट पेंडिंग बता रहा है। तो फ्रेंड, आपको बता दो कि मगध यूनिवर्सिटी के मार्कशीट जैसे ही आपका कॉलेज में आता है तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर लीजिएगा, और उसमें आपको देख लीजिएगा, और उसके बाद वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं, प्रिंसिपल से बोल सकते हैं वहाँ पर कि मेरा प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जोड़ा गया है। वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा पेंडिंग जो बता रहा था। तो फिर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।